प्यारे बच्चों, मैं शाहिद अली गौहर, MM इंटर कॉलेज नगीना, आपका इंग्लिश लेक्चरर। जैसा हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर एगल विद ए बास्केट, आज हम इसका लास्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझाएंगे। पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझाएंगे, फिर उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझाएंगे। जैसा हमने बताया, पहला चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट, रिटन बाय WC डगलस। जब सारे भारत में ये घूमकर लोगों से बातचीत करके वापस लौट कर इन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया, तो तब का इस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। राइटर WC डगलस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया कि द पीपल आई सॉ इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, चाहे वो छोटे छोटे गांव में हों, चाहे वो हाई ऑफिस मीन्स हाई पोस्ट, चाहे ऊंचे पदों पर कार्य करने वाले हों, बड़े बड़े ऑफिस में काम करने वाले हों, उनके अंदर लेवली सेंस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उत्साह वाली भावना, डिसेंसी एंड सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, डिसेंसी गुड मैनर शिष्टाचार अच्छा व्यवहार उनके अंदर भरा हुआ था। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर आज़ादी की एक ललक थी, वो चाहते थे अपने देश को और ख़ुद को आज़ाद देखना। तो बच्चों, इसी का ये पैराग्राफ है, इसका रेफरेंस हम पहले ही बता चुके हैं, अब आपको हम रेफरेंस बताएंगे। पहले भी आप लोगों को लिखवा चुके हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाई WC डगलस। संदर्भ पूरे चैप्टर का, पूरे लेसन का एक ही बार एक सा ही होता है, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, कॉन्टेक्स्ट में प्रसंग जिसे कहते हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर प्रेज द गुड वर्च्यूज ऑफ इंडियंस, मतलब इन लाइनों में लेखक भारतीयों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करता है, तारीफ करता है। ही लाइक्ड देयर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट वेरी मच, उसने उनके आत्मसम्मान की भावना को बहुत पसंद किया है। एक्सप्लेनेशन, ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया द ऑथर वॉज डीपली इम्प्रेस्ड विद द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के अपने दौरे में लेखक भारतीयों से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत मुतासिर हुआ। उसने गांव में रहने वाले लोगों को देखा, ही सॉ द पीपल लिविंग इन विलेज, उसने गांव में रहने वाले लोगों को देखा, दे वर वेरी सिंपल एंड जेंटल, वे बहुत सीधे साधे और सज्जन थे। दे वर वेरी सिंसियर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वे निष्कपट ईमानदार और कठिन परिश्रमी थे। ही ऑल्सो मेट एजुकेटेड एंड टॉप क्लासेज ऑफिसर, वह शिक्षित और उच्च वर्गीय अफसरों से भी मिला। ही फाउंड दैट बोथ हैड ए सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सिटीजनशिप, उसने पाया दोनों ही में ही आत्मसम्मान और नागरिकता की भावना
उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। देवर ऑल्सो डिसेंट इन बिहेवियर, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, बहुत उत्तम कोटि का था। दे लव फॉर फ्रीडम ऑल्सो, उनमें आज़ादी के प्रति भी प्यार था। दस इस प्रकार द ऑथर विलियम सी डगलस फेल्ट ए यूनिक एक्सपीरियंस अबाउट इंडियंस। इस प्रकार लेखक विलियम सी डगलस ने भारतीयों के बारे में अद्भुत अनुभव महसूस किया। शुक्रिया।